चलिए तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं और एक शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लोक देवियाँ ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, जैसे बाकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो मैंने टॉपिक कहानियों से याद करवाए हैं, वैसे ही मैं आपको लोक देवियाँ भी क्या करवाऊँगा, कहानियों से याद करवाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने दूंगा। बस क्लास के एंड तक बने रहना, सब कुछ हम कहानियों से याद करवाएंगे। पहली चीज तो आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया, बस आते ही बस पढ़ेंगे अपन, है ना, फालतू बातें नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। तो जो ये कुल देवियाँ हैं, ये तो कुल देवी हो गई, और ये यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, जाति आ जाएगी, यानी कौन सी कुल देवी किस जाति की है, वो मैं आपको क्या करवाऊंगा, कहानी से याद कराऊंगा। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे करणी माता किस जाति की कुल देवी है, तो चारण की। बिल्कुल शानदार हिंट से, टिप्स से, ट्रिक से, जैसे भी हो आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो काम की बात थी, है ना, इसलिए मैंने पहले ही बता दी है। तो क्या करना है आपको, क्लास को शेयर करना है, नया टॉपिक है कल्चर में लोक देवियाँ। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, तरीके से पढ़े हैं, कहानियों से पढ़े हैं, वैसे ही इस लोक देवी को भी हम क्या करेंगे, कहानियों से पढ़ेंगे। आज केवल मैं आपको कुल देवी पढ़ाऊंगा और वो कौन सी कुल देवी किस जाति की है वो बताऊंगा। फिर क्या करेंगे अपन, एक एक लोक देवी को उठाएंगे, उठाएंगे मतलब एक एक लोक देवी को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोक देवी है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि ये सब हमारी माताएं हैं। तो बोलो करणी माता की जय, बोलो जीण माता की जय। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे बहुत सी चीजें हम कहानी से याद करने की। तो क्लास को आज क्लास हम छोटी रखेंगे, है ना, केवल छोटी क्लास रखेंगे। फिर मैं संपूर्ण लोक देवी आपको ट्रिक तो कम रखेंगे, कहानियों से ज्यादा चीजें मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है किताब लो। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। तो बस जुड़े रहो, और ज्योग्राफी की क्लासें चल रही होगी, आप नोट्स बना रहे होंगे, क्लासें तो चल रही है। अब मुझे नहीं पता आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कहानी से या किसी ना किसी तरीके से याद भी करवा रहा हूँ। तो बस नोट्स बनाओ ज्योग्राफी में, और कल्चर तो चल ही रही है। तो यूट्यूब पे राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान ज्योग्राफी, दो क्लासें चल रही है, रेगुलर क्लास नहीं आती, हफ्ते में दो या तीन क्लास आती है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो करें क्लास को शुरू, करें। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल करो, मारा बुलाए थे की करो, है ना। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम क्या करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे, नया टॉपिक है लोक देवियाँ, मैं ऊपर लिखूंगा तो शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो समझ जाना आपको क्या करना है, जो कॉपी जो नोट्स बना रहे हो आप उसमें टॉपिक डालो लोक देवियाँ। ठीक है, ठीक है कि संपूर्ण लोक देवियाँ करवाऊंगा, जो एक से ऐसे मान के चलो, जैसे आप अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो उतना मीटर में आपको यूट्यूब पे दे दूंगा लोक देवियों में। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत को नहीं ना, ना गुरु जी मन कोई दिक्कत को नहीं। चलो के पढ़ से आप लोक देवियाँ, सबसे पहले नंबर एक पर कौन सी माता है, करणी माता है। करणी माता तो करणी से याद करना, करण, करण से चरण, चरण से चारण, चारण जाति। देखो कोई बुरा मत मानना, गलत मायने में मत लेना, केवल याद करवाने के लिए। ठीक है, तो करण से चरण, चरण से चारण, तो करणी माता किस जाति की कुल देवी है, चारण जाति की। ठीक है, कालका माता, कालका किसकी है, सुनारो, सुनारो की कुल देवी है। कालका माता किसकी कुल देवी है, कालका माता सुनारों की कुल देवी है, या फिर सुनार की कुल देवी है। कैसे याद करोगे, थारी लुगाई ही है ना, भू भिंदनी कुछ भी मान लो, थारी लुगाई ही थे। एक दिन घर रात में लेट आया, लेट आया जनाबा के करी, काल का रूप धारण कर ली,
काल का रूप धारण कर ली, तो अब थाने राज्य करना पड़ेगा। और राज्य करना खाता थे भी ने खटलेर गया। अब लुगाई तो एक ज्यादातर एक ही चीज से राज्य हो सके, गेणो गुणो दिरा दो, कोई मंगलसूत्र दिरा दो, कोई पाजब दिरा दो, तो थे के करया बिन खट लेर गया, सुनारागन लेर गया, सुनारगन लेर गया, तो बाद जो काल का ही बा शांत होगी, क्योंकि थे बिन के दिरा दिया, हार दिरा दिया, गेणो दिरा दिया, तो वह राज्य होगी। तो काल का माता किसकी कुलदेवी है? सुनारों की कुलदेवी है। लुगाई काल का रूप धारण कर ली, तो थे कट ले गया, सुनारगन गेणु दिरा लिया, तो वह राज्य होगी। ठीक है, ठीक है गुरु जी। काल का माता सुनारों की कुलदेवी, जीण, जीण से कर लेना, जीण मीण, ठीक है, तो मीणाओं की कुलदेवी, ठीक है, मीणाओं की और चौहानों की कुलदेवी है। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, मानो कोई दिक्कत को नहीं। नारायणी, तो ना से नारायणी, ना से नाई जाति, ना से नारायणी, ना से नाई जाति, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सचियाई माता, वो सच बोलती है, ओ सवाल कुन करियो, वो सच बोलती है, ओ सवाल कुन करियो, तो ओ सवाल से कर लेना, ओ सवाल जाति, का सच बोलता है, का अच्छा सच बोलता है, तू सच बोलता है, मतलब ये सवाल किया किसी ने, तो ओ सवाल जाति, तो सच्चियाई माता किसकी है? ओ सवाल जाति की। आई माता, आई, आई मतलब माँ, मम्मी, माता, मातेश्वरी, मम्मी और जो भी है, आई माता, तो आई, आई के ले रही, आई सिरो ले रही, आई की आई, आई सिरो ले रही, तो सिर भी जाती, आई की आई, अरे आई की आई, आई आई सिरो ले, तो सिर भी जाती, ठीक है। दधी माता, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा, दधीच ब्राह्मणों की, दधीच, दधीच ऐसे आएगा क्या? अच्छा ऐसे, दधीच ब्राह्मणों, तो दधी माता दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, ठीक है। धोलागढ़ का नहादोर पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण सब पहले नहादोर पूजा करे है, सब पहले मंदिर में नहादोर कौन पूछो? ब्राह्मण पूछो, ठीक है। धोलागढ़, वैसे तो सभी जाते हैं नहादो के, लेकिन ब्राह्मण को ज्यादा भगत माना जाता है, ऐसे माना जाता है। तो धोलागढ़ का धो धा के कौन गए? ब्राह्मण गए, तो ब्राह्मण भी कौन सा गया? गौड़ भगवान कन गया, गौड़ ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण जाति की कुल देवी धोलागढ़ माता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा का मतलब तीन, तो तीन तो नहीं है, पांच है, तो पांचाल जाति, त्रिपुरा से तीन, तीन नहीं है कि तीन पांच मत कर, तो पांचाल, 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 तो त्रिपुरा कुलदेवी किसकी है? पांचाल जाति की है। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लटियाला, लटियाला, याला से काला, काला से कल्ला, याला कला, यला कला, तो कल्ला जाति, कौन सी जाति रहा ब्रो? कुछ मैं याद करवा रहा हूँ, कुछ आप याद कर लेना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, होगी आप लोगों को। तो लटियाला माता कल्ला जाति की कुल देवी है। सकराय माता, संकट आते ही क्या हो गए? सब भग गए, खंड खंड हो गए, तो सकराय माता खंडेल वालों की, खंडेल, खंडेल वालों की क्या है? खंडेल वालों जाति की कुलदेवी कौन है? सकराय माता। केवराय, केवाय माता दहिया, दहिया जाति की कुलदेवी कौन है? केवाय माता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद हुआ कि नहीं हुआ? कितने याद करवा दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मैंने ऐसे याद करवा दिए, बिल्कुल ढंग से याद करवाए हैं। मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। एक बार को क्लास को और देख लेना। करनी माता चारण जाति, काल का माता सुनारों की, जीण माता मीणाओं की और चौहानों की, नारायणी माता नाई जाति की, सच्चियाए ओसवाल की, आई माता सिरवी जाता, सिरवी जाति, दधी माता दधीच ब्राह्मणों की, धोलागढ़ माता गोड़ ब्राह्मणों की, त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति, लटियाला माता कल्ला जाति की, सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी, केवाय माता दहिया जाति की कुलदेवी कौन है?
दहिया जाति की केवाय माता दहिया जाति की कुल देवी है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। खिम्मज माता खिम्मज गई, का खिम्मज मतलब ऐसे बोलते ना खिज गई, वो रूस गई, नाराज हो गई है। तो खिम्मज 100% खिम्मज गई, सोलंकी खिम्मज गई 100%, तो सोलंकी सोलंकी माता, कौन सी माता? सोलंकी माता। आजम 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 मतलब भील, आजम भील। चौथ माता कंजर, विरात्रा माता भोपा। अब कैसे याद करोगी? आजम भील चौथ माता, चौथ माता को बता दोगी कंजर जाति, विरात्रा माता भोपा की है, केला माता, केला माता यादवों की कुल देवी है। किसकी? यादवों, यादव जाति की कुल देवी है। तनोट सोट मारा, सोट किससे मारा? पत्थर से, भाठे से, तो भाठा, तो भाठा से भाटी। अरे कोई गलत मत लेना, ले लेना, कोई नाराज मत हो जाना, केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? किसी को बुरा लगे तो मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? तनोट सोट मारा, किससे मारा? भाठे से, तो भाठा से भाठी। भाठी जाति की कुल देवी कौन है? तनोट माता है। कौन सी? तनोट माता है। अंबारोही पर्वतारोही प्रतिहार, अंबारोही पर्वतारोही, तो प्रतिहार जाति की कुल देवी कौन है? अंबारोही, अंबारोही माता किस जाति की कुल देवी है? प्रतिहार जाति की, ठीक है? अर्बुदेश्वरी अब्बू, अब्बू अब्बू ने मारा, अब्बू ने मारा, पर क्यों मारा पता नहीं, क्यों नहीं मारा, क्यों मारा? तो परमार, अब्बू ने मारा परमार, अब्बू ने मारा परमार, अब्बू ने मारा परमार, अब्बू ने मारा परमार। ज्वाला माता खंगारोत, ज्वाला माता खंगारोत, खंगारोत जाति की कुल देवी कौन है? ज्वाला माता है। कौन है टाबरो? ज्वाला माता है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जमुआय माता कछुआओं की कुल देवी, आमेर के कछुआओं की कुल देवी कौन है? जमुआय माता, आमेर के कछुआओं की कुल देवी है। कौन है? आमेर के कछुआओं की कुल देवी कौन है? जमुआय माता है। साकंभरी, साकंभरी तो सांभर, सांभर के चौहानों की कुल देवी है, सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन है? साकंभरी। नागनेची, नाग को देखते ही आप दौड़ने लग गए, दौड़ दौड़ से राठौड़, राठौड़ राठौड़, तो जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी है, जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागनेची माता। फिर आखिरी में बचा आशापुरा सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है? आप मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? खिम्मज सोलंकी माता, आजम भील, चौथ माता कंजर, विरात्रा भोपा, केला यादवों की, तनोट भाटी, अंबारोही प्रतिहार, अर्बुदेश्वरी परमार, ज्वाला माता खंगारोत, जमुआ आमेर, साकंबरी सांबर, नागनेची जोधपुर, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है गुरुजी, मन तो घणो याद हुए। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को, अभी कुल देवियां कंप्लीट नहीं हुई, ये क्या है, जगह कम रहेगी, इसलिए मैंने इतने ही लिखे हैं। अब क्या करेंगे, अब जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक एक कुल देवी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अब हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो करणी माता के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ की थी, देशनो बीकानेर की थी, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम सारी एक एक चीज़ें, एक एक माताओं के बारे में, लोक देवी के बारे में हम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि?
कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है टावरों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? करणी माता पढ़ेंगे। अभी बहुत सी देवियाँ रह गई, जीण माता भी रह गई है ना, महत्वपूर्ण। यहाँ नहीं लिखी मैंने जीण माता, जगह नहीं बची इसलिए नहीं लिखी है ना। तो थे नाराज मत हो, थाने के करनो है। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ, तरीका से नोट्स बनाओ। और कोई ऐसे बोल रहा है कि सर क्लासें बड़ी धीरे धीरे आ रही है, रेगुलर क्लास नहीं आ रही। तो रेगुलर तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो रेगुलर क्लास नहीं आएगी, लेकिन जो भी क्लास आएगी वो आपके भेजे में घुसाऊंगा ना, भेजे में डाल दूंगा, सब कुछ याद करवा दूंगा। तो क्लासे कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आए संपूर्ण सारी बातें हो और याद हो तो अच्छी बात है ना। तो देर से सही, देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो सब कुछ कहानी से आप लोगों को याद कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और धन्यवाद।